दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा रोडवेज में नई बसें लगातार आ रही हैं। हर डिपो में दो चार बसें जो हैं वो लगातार आ रही हैं, जो कि BS6 ये बसें आपकी रहने वाली हैं। टाटा और अशोका लेलैंड कंपनी की ये दोनों जो बसें हैं वो बनाई जा रही हैं, लेकिन इनकी जो बाडी बनाई जा रही है वो पहले जो बसें आती थी उन बसों से ज़्यादा लंबी बाडी है और ज़्यादा इसमें सीटें हैं। तो इसी को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हरियाणा रोडवेज से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। दोस्तों, न्यूज़पेपर की कटिंग हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा रोडवेज से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा रोडवेज की बन रही बसों की बाडी में बड़ा गड़बड़ जाला। क्या पूरा मामला है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि HREC के GM मनमानी कर रहे हैं। मशीन रिपेयर से लेकर बस बाडी बनाने के कमीशन का है, वहीं पुरानी मशीन को रिपेयर करने के नाम पर भी लाखों रुपये का बिल जो है वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा बस बाडी बनाने का नाम मात्र ही काम चल रहा है। समय पर समाप्त नहीं मिलने पर टारगेट अनुसार बसें नहीं बनाई जा रही हैं। 10 से 15 बसों की बाडी बनकर तैयार हो पाई है, क्योंकि बस में घटिया पाइप, रबड़, खराब पेंट और अन्य मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि घटिया स्तर का सामान खरीद कर बाडी में लगाया जा रहा है। वहीं लिमिट के तहत सामान खरीदने जाने पर भी समय पर बाडी नहीं बन पा रही है। देश में हरियाणा रोडवेज की बाडी बहुत ही बढ़िया मानी जाती थी, लेकिन अब बाडी में पाइप से लेकर अन्य सामान नियमित तरह से लगाया जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा रोडवेज में आपने नई बसें देखी होंगी। BS6 जो है अपने चरखी दादरी डिपो में भी हैं, भिवानी डिपो में भी हैं, रोहतक डिपो में और गुरुग्राम, और इसी के साथ साथ अब अम्बाड़ा डिपो में भी BS6 जो बसें हैं वो पहुँच चुकी हैं। उनकी जो बाडी है उसमें बड़ी शिकायत यहाँ पर बताई जा रही है कि उनमें बहुत ही घटिया किस्म का जो मटेरियल है वो लगाया जा रहा है, और उसमें जो पेंट है वो भी ख़राब है, और उसमें जो रबड़ है, रबड़ का जो जहाँ पर यूज किया जा रहा है वो रबड़ भी वहाँ पर ख़राब बताया जा रहा है। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हरियाणा रोडवेज से जुड़ी सभी भर्तियों के बारे में और अन्य सभी जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।